नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर बाणगंगा पुलिस ने ट्रक चुराने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने भाई को सबक सिखाने के लिए उसी के ट्रक को चुरा लिया और फिर उसमें रखा स्क्रैप बेचने की फिराक में ट्रक छुपा दिया था। हालांकि पुलिस ने 6 घंटों में ही आरोपी को ट्रक सहित गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी के मुताबिक फरियादी राजेंद्र कुशवाहा ने बताया कि वो ड्राइवरी का काम करता है और लोहे के स्क्रैप से भरा हुआ ट्रक उसने पिस्ता तौल कांटा पर लॉक लगाकर खड़ा किया था और घर चला गया था। अगले दिन सुबह जब ट्रक लेने पहुंचा तो ट्रक मौके पर खड़ा नहीं मिला, जिसे कोई अज्ञात बदमाश चोरी कर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बाणगंगा अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की। पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल पिस्ता तौल कांटा के आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए हैं, जिसमें फरियादी का भाई गौतम कुशवाहा अपने साथियों के साथ घटनास्थल से ट्रक चुराते हुए दिखाई दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ट्रक को मांगलिया टोल नाका पार करते हुए देखा गया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी गौतम कुशवाहा को कपड़े और हुडिया के आधार पर अपना स्वीट्स विजयनगर से पकड़ा लिया। आरोपी गौतम कुशवाहा में पूछताछ में बताया कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब थी और पत्नी के इलाज के लिए उसने भाई से रुपए मांगे थे, लेकिन राजेंद्र कुशवाहा ने उसको रुपए नहीं दिए। इसलिए आरोपी गौतम कुशवाहा ने उसके भाई राजेंद्र कुशवाहा फरियादी के द्वारा पिस्ता तौल कांटा पर खड़े ट्रक को रात्रि में उसके साथी किशन सर्वर के साथ चुरा लिया। पुलिस को गुमराह करने की नियत से पहले वो ट्रक को मांगलिया टोल नाका से देवास रोड पर ले गया, फिर बायपास से ट्रक को ले जाकर मानपुर बायपास पर खड़ा कर दिया। फिलहाल आरोपी गौतम कुशवाहा और साथी किशन सर्वर को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजेंद्र कुशवाहा करके फरियादी कल उपस्थित हुआ था, वो ड्राइवर भी है और ट्रक चालक, मतलब ट्रक चालक भी है और मालिक भी है गाड़ी का। तो उसने अपनी गाड़ी में परसों रात में कुछ 6-7 लाख रुपए का स्क्रैप भर के पिस्ता तौल कांटा पे खड़ा कर दिया था। जब वो सुबह वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर तौल कांटे के ऊपर से ट्रक जो था वो गायब था। तो उसने फिर थोड़ा बहुत आसपास तलाशा, फिर थाने में उपस्थित हो गया रिपोर्ट के लिए। तो थाने में उपस्थित हुआ रिपोर्ट के लिए, तो फिर हमने तत्काल जो तौल कांटा था वहाँ के और आसपास के फिर फुटेज देखे, और फिर फुटेज से हमने फॉलो किया तो ट्रक जो था वो बाईपास पे हमको टोल टैक्स पे भी जाता दिखा, सोनकच्छ तरफ, मतलब देवास की डायरेक्शन में। तो फिर पार्टी जो थी वो देवास और सोनकच्छ तक हमने एक्टिवेट किया, जो सोनकच्छ थाना है और बीच में आष्टा थाना है, सीहोर थाना है, यहाँ के थाना प्रभारियों से भी कॉन्टेक्ट किया और बहुत आगे तक हमारी पार्टी गई, लेकिन आगे टोल टैक्स में पाया कि वो ट्रक निकले ही नहीं है वहाँ से। फिर लौट के पुनः टोल टैक्स पे आके देखा तो उसमें वो ट्रक जो है वापस उसी टोल टैक्स से जाता हुआ देखा। तो इससे समझ में आया कि वह जो है पुलिस को डांस देने के लिए उसने ये किया कि पुलिस को चकमा दे के यानी इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ और ले गया किसी अन्य डायरेक्शन में उसको गाड़ी को। फिर हमको जब तक ये ज्ञात हो गया था कि इसको ट्रक को जो है फरियादी राजेंद्र कुशवाहा के भाई गौतम कुशवाहा ने चुराया है, उसके साथ एक और लड़का है उसकी हल्की सी दाढ़ी है। फिर उनके किसी प्रकार उनका नंबर पता प्राप्त किया, फिर उनसे जब अज्ञात बन के बातचीत की, फिर उनको ट्रैप किया, अपना स्वीट्स हाउस विजयनगर पे बुलाया उनको चर्चा के लिए, तो फिर उनको वहाँ से पकड़ा। तो वो जो लड़का जिसकी दाढ़ी थी उसको देखा तो उसने क्लीन शेव करा लिया था जिसमें पहचान छुप जाए। फिर लेकर आए उनको थाने, पूछा उनसे तो उन्होंने बताया गौतम कुशवाहा ने कि उसकी पत्नी का बीमार थी तो राजेंद्र ने इलाज नहीं करवाया, पैसे की ज़रूरत थी तो उसने सोचा कि ट्रक में काफ़ी स्क्रैप है तो प्रीतमपुर ले आके बेच देंगे। तो उसने गाड़ी को ले आके मानपुर बाईपास पे खड़ा कर दिया था। तो कल ट्रक भी जब्त किया, माल भी पूरा जब्त किया और दोनों आरोपी जो हैं अभिरक्षा में लिया गया पुलिस को और उस पर कार्रवाई जारी, चालान पेश किया जाएगा शीघ्र। सर, ये दोनों आरोपी की क्या बैकग्राउंड? अब बहुत वो तो बहुत लो प्रोफाइल लोग हैं, ऐसा कुछ उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। सर, कितने घंटे की मशक्कत? 6 घंटे। सर, कितने सीसीटीवी फुटेज का कार्ड हुए हैं जो चोरी? 6। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।